नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड पर। दोस्तों, अगर आपके पीसी पे भी इस तरह का कोई पॉपअप आ रहा है और बार बार उसमें कोई पिन मांग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उसको किस तरह से बंद करें या उसका किस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो किस तरह से आप उसका पासवर्ड फॉरगेट करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसमें हम आपको इन सभी समस्याओं के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, जिसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस फंक्शन को यूज करने से संबंधित। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस विषय से संबंधित। और दोस्तों, ऐसी उपयोगी वीडियो के लिए हमें एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आगे ऐसी वीडियो और भी लाते रहने के लिए। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहना है जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इधर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। पहले हम इसको हटा देते हैं, तो हम आपको पूरे शुरू से बताते हैं इसका प्रोसेस। तो हम होम पेज पे चले जाते हैं, अब इधर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर इधर से ऑटो फिल एंड पासवर्ड इस पे जाएंगे, अब इधर से मैनेज पासवर्ड इस पे जाएंगे, और अब इधर ये 3 लाइन इस पे हम क्लिक करेंगे, और इधर से ये सेटिंग्स इस पे क्लिक करेंगे। और अब दोस्तों, इधर से आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए ये इसमें पिन मांगेगा, तो आप इधर से इसमें जो आपका पिन है वो डाल दोगे, और इधर से अगर आप हर बार इसमें पासवर्ड जो भी आप इसमें चेंज करें उसको सेव करना चाहते हैं, और ये आपको ऑफर देगा कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं नहीं, तो इधर से आप क्लिक कर सकते हैं। ये बार बार आपको ऑफर देगा, जब आप उसको स्वीकार करोगे तभी आपको पासवर्ड सेव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफर ना दे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है, इसमें जो आपके पासवर्ड इसमें सेव है उससे ये जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे जिसमें आपने पासवर्ड लगा रखा है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें पासवर्ड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इसका पासवर्ड भूल चुके हैं और आप इसको फॉरगेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, तो उसके लिए आप इधर विंडो के निशान पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे जाओगे, इधर अकाउंट्स पे जाओगे, अब इधर से इसको नीचे करके ये साइन इन ऑप्शन इस पे आप जाओगे, और फिर इधर से ये पिन विंडोज हेलो इस पे आप क्लिक करोगे, और फिर इधर से चेंज पिन, इधर से आप इसका पिन चेंज कर सकते हो। तो इधर जो हाल ही में इसका पिन है वो आप इसमें डालोगे, और बाद में जो आप इसमें नया पिन डालना चाहते हैं वो डाल के नीचे कंफर्म पिन पे करके आप नीचे ओके कर दोगे, तो इधर से ये चेंज हो जाएगा। और अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप इधर से आई फॉरगेट माय पिन इस पे क्लिक करोगे, तो इधर से आप कंटिन्यू करके इसमें पासवर्ड फॉरगेट इसमें कर सकते हो। तो हमें फिलहाल करना नहीं है, तो हम इधर से कैंसिल कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें बहुत सहायता मिलती है अपने चैनल को आगे ग्रो करने में। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।